नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हमें ए टू प्ले पे भी फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इंडिया अपने डिफेंस की सबसे बड़ी डील कर रहा है वो भी इंडिजुअस, उसे हम पाकिस्तान के JF-17 थंडर से कंपेयर करेंगे और इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इफ्तिखार भट्ट। अच्छा मेरे सर, आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया 48 एयरफोर्स अपना प्लेन बाय कर रही है तेजस, जो उन्होंने इंडिया में मेक किया है, और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 48,000 करोड़ है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जो हम भी ऐसे जदीद चीज़ें लें और तरक्की करें, और अपने मुल्क को हम भी देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भी इस तरह ही काम करे जिस तरह इंडिया कर रहा है। इस हवाले से आई वुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ख़ुद अपनी चीज़ बनाई है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी अदर कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स, बट दे आर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, और वो खुद ही अपनी चीज़ खरीद रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट देम कि दे आर ओनिंग देमसेल्व्स, वो एंड दे टेक प्राइड इन इट, दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम। और हमें भी अपनी हर चीज़ पर प्राउड होना चाहिए, हम खुद अपनी चीज़ें बनाएँ द वे दे आर डूइंग, और इस चीज़ से सीखें, और इट शोज़ कि हाउ मच यू आर प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री। बहुत अच्छी बात है ये, तो हमें भी इस चीज़ में एफर्ट करनी चाहिए, जो कुछ भी के जो प्रोडक्ट्स हम इंडिया की यूज़ कर रहे हैं वो हम खुद अपनी बनाए, और अपनी बना के हम लोग वो तो परचेज कर रहे हैं ना, देखें खुद ही बना के खुद ही परचेज कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग भी अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ करें। मैं ये राय रखती हूँ कि अच्छी बात है कि इंडिया ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि मेड इन इंडिया के नाम से, कि वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम इसमें, सबसे ज़्यादा यूथ का काम है गवर्नमेंट का, कि वो यूथ को इतना पुश करे, इनक्रेज करे कि वो भी मेड इन पाकिस्तान में कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाए, और ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि जिस मुल्क की 60% आबादी जो है उसको बाथरूम मुहैया नहीं है, अगर वो 48,000 करोड़ का जो है वो हथियार बना रहा है, और उस मुल्क को अगर पेंसिल इंपोर्ट करनी है तो वो बाहर से लेके आएगा, तो उसको चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भी ख़राबी कर रहा है। इवन पाकिस्तान भी, हम हथियार बनाने में खुद कफ़ील हैं दोनों मुल्क, लेकिन हम अपने लोगों की जो गुरबत है वो ख़त्म करने में खुद कफ़ील नहीं है। हमें पेंसिल मंगवानी है, दवाई मंगवानी है, कोई भी बड़ी चीज़ मंगवानी है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो ये सोचने की बात है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं इस वाले से? मेरा यही पैगाम है कि जो इतना पैसा जो अपने वो डिफेंस बजट पे खर्च कर रहे हैं, अगर वो अपनी आवाम पे लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इन जंगों का करना क्या है? दुनिया इस टाइम पीस की तरफ जा रही है, और इस टाइम लोग माशी मंडियों पर कब्ज़ा करने की सोच रहे हैं, और हम लोग अभी भी शायद जंग के बारे में सोच रहे हैं, तो जंग से मिलेगा क्या पाकिस्तान? ना पाकिस्तान को कुछ मिलेगा ना इंडिया को कुछ मिलेगा। हम लोग पाकिस्तान तो फिर भी अमन की बात कर रहे थे, मैं खुद यूट्यूबर, हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं अगर हमने इसमें अमन का पैगाम भी दिया हो ना, हमें नीचे गाली ही पड़ती है उसमें। ये बात में जब तक समझ नहीं है ऐसा क्यों है। मतलब आई गेस पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें भी मेड इन पाकिस्तान, हमारी टेक्सटाइल्स है, हमारी हर चीज़ इकॉनमी को हमें भी इसी तरह मतलब यू नो करना चाहिए फेवर। आई मीन मिलिट्री बजट हर कंट्री का बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान का सेल्फ 60% जो बजट है वो मिलिट्री को जाता है, तो आई थिंक जस्टिफाइड है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की जो हालात हमेशा से रहे हैं, फिर अब बांग्लादेश भी है, तो आई थिंक ये जस्टिफाइड है। बेस्ट विशेज है उनके लिए, यही है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज़ बना रहे हैं, हमें भी चाहिए कि यार एक चीज़ बनाई जाए, उसको फिर हम भी ऊपर लेके जाएँ। वो शो कर रहे हैं अपनी चीज़ को ना, ऊपर लेके जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि यार हमारे पास एक पावर है तो किसी के पास नहीं है, तो हमें भी चाहिए कि यार ये पावर उनको शो करें कि हमारे पास भी कुछ है, टैलेंट है हमारे पास भी, हम भी चीज़ें बना सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर आप उसको अमन की आशा के प्रोग्राम से देखें तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। हमें बेसिकली अमन की तरफ बढ़ना है, और मैं तो इंडियन पॉपुलेशन को यही अपील करूँगा कि आप अपने देश में ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट डालें जो अमन के लिए अच्छी सोच रखते हैं या ख्वाहिश रखते हैं। आपने देखा है पाकिस्तान में एक चेंज आई है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने जो इनिशिएटिव लिया है पीस के लिए
वो बड़ा बेहतरीन है। उसने रिलीजियस स्पॉट जितने भी हैं पाकिस्तान में सिख बरदरी के, उनको प्रमोट किया है, लोगों को फ्री वीज़ा आने जाने की फैसिलिटी दी है। तो मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो दूसरी बात आप कह रही हैं कि वो 48,000 करोड़ का जेट तैयारा उन्होंने बनाया या ख़रीदा है, तो वो उनके डिफेंस के लिए तो अच्छी चीज़ है कि उन्हें अपने हर कंट्री को अपने डिफेंस के लिए बेहतर से बेहतर करना है। जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान ने JF-17 चाइना के साथ मिलके तैयार किया था, और उस तैयारे का कहते हैं कोई जोड़ नहीं है। आई थिंक दैट्स गुड फॉर देम, एंड इफ़ यू लुक एट अमेरिका एंड अदर कंट्रीज लाइक रशिया, दे हैव बीन सुपर पावर, एंड द वन दैट इज़ अ सुपर पावर, वो कपड़े नहीं बना रहे, वो जूते नहीं बना रहे हमारी तरह। ये इवन चाइना तो है हर काम ही कर रहे हैं, लेकिन वो अपने क्या बना रहे हैं, वॉर मशीन्स बना रहे हैं अपनी, वो बना के सेल कर रहे हैं, और वो इस वक्त सुपर पावर हैं, सबसे स्टेबल कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त। तो आई थिंक डेट्स अ गुड स्टेप, और हमें भी इसी तरह करना चाहिए। नॉट टू बी जेलस, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू दिस, वी शुड ऑल्सो मेड आवर होम मेड प्लेन्स, वी शुड ऑल्सो प्रोड्यूस आवर कार्स, वी शुड सपोर्ट दिस द एंटरप्रेन्योर्स दैट आर वर्किंग इन पाकिस्तान। तो आई थिंक डैट्स वेरी गुड फॉर देम, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। हम लोगों को भी इस वजह से वी हैव टू सी कि हमें अपने डिफेंस के लिए क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की आई नो पॉलिसी जो है वो डिफेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ऑफेंसिव, लेकिन इंडिया ने अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजिक रखी हुई है उसने अपनी डिफेंसिव ऑफेंसिव रखी हुई है, तो इट्स गुड फॉर देम, बट हम लोगों को भी वी नीड टू सी कि हमें इस लाइन में भी क्या करना है फॉर द फ्यूचर। जिस तरह वो अपनी मेड इन इंडिया में चीज़ें बनाकर वो अपने डिफेंस बजट को भी बेहतर कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आप क्या देख रही हैं कि वो भारी इंडस्ट्री को टक्कर दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं, मतलब अभी टाइम आपने शुरुआत तो कर ली है ना, तो ग्रेजुअली आपने ऊपर ही जाना है। अब आपके जो मतलब प्रायोरिटीज़ हैं उस हिसाब से बढ़ेंगी, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस हिसाब से इम्प्रूव होंगे, एंड फिर उसके उस हिसाब से आप डोमिनेंट होंगे और मार्केट में आप यू वुड बी मच मोर रिकग्नाइज्ड। तो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ऊपर ही जाता है इंसान। बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि हमें अपनी एक यूथ ऐसी तैयार करनी चाहिए, न्यू जनरेशन को हमें इस बारे में गाइड करना चाहिए कि हम लोग भी ऐसे करें जिसमें पाकिस्तान की जो है वो पावर की तरफ, पाकिस्तान के बजट की तरफ, हर चीज़ का ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, वो हर चीज़ ऐसे मैनेज करें, एक इनको एक मैनेज प्लान बनाना चाहिए जिसमें ये सब कुछ करें और पाकिस्तान के बजट का ख्याल रखते हुए उसमें हमारी परचेजिंग पावर हो। हाँ, मेरे ख्याल से दे पाएगा, जब उनका वो इतना कर रहे हैं, अपनी यूथ को भी उन्होंने मिला लिया और मेड इन इंडिया का वो कर भी रहे हैं, तो शायद वो कर लेगा। मैं फिर वही बात करूँगी, बेशक एक पहली बात तो यह है कि इंडिया को ख़ुद मुख्तार तो होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए साथ में, अपने मुल्क को साथ लेके आऊँगी कि दुनिया को असला बेचना चाहिए, लेकिन फिर बात वहीं आ जाएगी कि क्या ये गेम सिर्फ असले की है। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि असला बनाना चाहिए ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि दुनिया में अब जब दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे असले को नो कहने जा रही है, तो हम असले की फैक्ट्रियाँ लगाने के बजाय जो है वो दुनिया की आबादी की गुर्बत और खाने की चीज़ें जो है उनको उनमें खुद कफालत करें, तो फिर गुड लक है। असला चाहे घर में बनाएं चाहे बाहर से लाएँ, असले का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, जंग यूज़ कहाँ होगा। जब तक दुनिया में असला बनाने की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, दुनिया में जंगो जदल ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह यही है कि असला बनाने वाले को फिर असला बेचना भी है। हमारी इंडस्ट्री को वो अभी से बहुत ज़्यादा टक्कर दे पा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो मिलिट्री की चीज़ें हैं वो बाहर से आती हैं, वो इम्पोर्ट होती हैं। हमारे आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो यहाँ बने हैं, लेकिन बाकी सारी हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो बाहर से इम्पोर्ट होती है। राइटफुली सो, क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एम्युनिशन हो सकती है, लेकिन गन्स हर जगह पाकिस्तान से बेहतर हैं। पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट गन्स आती हैं, तो पाकिस्तान में वॉर जो होता है कि जो वॉर से स्क्रैप होता है वो पाकिस्तान में आता है। रिबा, ये है कि वाकई में इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो ओवरऑल जो सब इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री बहुत जल्दी वो तरक्की कर रहा है। मैं भी हमें पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और बेस्ट विशेज़ हैं, अमन का पैगाम है इंडिया के लिए, और ये कि बहुत अच्छा कर रहा है, अपने मुल्क को कौम के लिए सोचना चाहिए। हमारे उम्मीद करते हैं हमारे हुक्मरान भी इस बारे में सोचेंगे और हम भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि इंडिया में ये कैपेसिटी है, देखें ना आपके जो इंडियन मार्केट है हाईली पॉपुलेटेड मार्केट है, पूरी वर्ल्ड उसकी तरफ देखती है, और यही वजह है
कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन इंक्रीज़ होती है तो जो वर्ल्ड है वो इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए, इंडियन मार्केट को देखते हुए वो थोड़ी सी लीनियर रहती है और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर मेड इन इंडिया की जो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है या प्रमोट कर रहा है उस हवाले से वो उसका एक अच्छा इनिशिएटिव है, अपने कंट्री के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, रैदर दैन हम एक्सपोर्ट और फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। दे आर ऑलरेडी द बेस्ट यू नो इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। किसी को भी लेबर चाहिए होता तो वो इंडिया में जाता है, पाकिस्तान में नहीं आता है, चाइना में जाता है। तो दे ऑलरेडी आर, इफ़ दे आर गोइंग टू फोकस ऑन समथिंग डिफरेंट, दैट्स रियली गुड, दैट्स वेरी गुड फॉर देम एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम। वो क्या लगता है साउथ एशियन रीजन में, यस इफ दे आर प्रोग्रेसिंग इन दिस स्पीड तो फिर तो डेफिनेटली यस। अगर स्टैट्स की बात की जाए तो जो पाकिस्तान का F-17 थंडर है और अगर इंडिया की वो तेजस की कंपैरिजन किया जाए तो वो हर उनकी क्वालिटी वाइज तेजस बहुत बेहतर है पाकिस्तान के F-17 थंडर से। तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? इस हवाले से मैं ये राय रखती हूँ कि हम लोग भी वैसे कम नहीं है, लेकिन हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, मतलब इम्प्रूव करें, बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे सीखें ताकि हमारी चीज़ों को एक अच्छी पहचान मिले, लोग मतलब हमारी भी चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ हो। हमें सीखना चाहिए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए वाइल लर्निंग फ्रॉम देम। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इस चीज़ में तरक्की करेगा और ज़रूर करेगा। बाकी जो है उनकी तरफ भी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान के हमारा हमसाया मुल्क है कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हम लोग भी इस चीज़ में करेंगे। सिटी में ख्याल से अच्छी होगी जब वो इतना सारा कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही वो ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं तो वो उसी की टक्कर की चीज़ ही बनाएंगे ताकि वो उससे लड़ सकें। आई थिंक राय बस यही है कि फॉर स्टार्टर्स वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ एनी मिलिट्री इक्विपमेंट, जो हर पाकिस्तानी में है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए क्वालिटी में ताकि कॉस्ट कम की जाए। अगर आप एक कॉस्ट दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट दें ताकि हम वी गेट द बेस्ट थिंग, क्योंकि इंडिया साथ ही है, हम फॉर अबाउट 2 ईयर्स हम इंडिया के साथ हाई लेवल पर हैं तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द बॉर्डर एज वेल। ये तो तभी पता चलेगा जब हम दोनों मैदान में आएंगे। अभी तो आप क्या सराही कर सकते हैं कि बेहतर है या नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पाकिस्तान का बेहतर हो क्योंकि उसमें मेरी जान महफूज है। एक्चुअली मुझे उनकी तेजस का तो नहीं पता, लेकिन मुझे स्पाइक्स का पता है जो उनके पुराने जो उन्होंने रशिया से लिए थे ना, उसमें यह है कि उनका रडार आई थिंक 200 किलोमीटर्स तक या लेकिन 200 किलोमीटर्स तक कवर करता है। अगर वो ला के सिर्फ अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिठा देते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर वो 200 किलोमीटर तक देख सकते हैं। लेकिन जब डॉग फाइट की बात आती है ना, आमने सामने की फ़ाइट की, तो फिर JF-17 हैंड्स डाउन इट विल बीट एनीथिंग दैट इंडिया कैन थ्रो एट अस, हैंड्स डाउन JF-17 कैन बीट इट। वेल हमें कभी JF-17 तैयारी ने कभी मायूस तो नहीं किया है, हमें भी ये पता होना चाहिए हम लोगों के MM आलम साहब ने क्या किया था 65 की जंग में। तो अगर हमारे पास भी सारी हो फैसिलिटीज़ वो जिस तरह हम भी अगर मुआहदे करें तो डेफ़िनेटली वी कैन ऑल्सो डू वेल इन दिस। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच।